How are you feeling? Terrible. Exactly, हमें भी ऐसा ही फील हो रहा है हंसिका, तुम्हारा ये चुतिया की फिगर स्केटिंग जैसा शो देखने के बाद। मेरी शादी हो रही है अपने सोलमेट से। हाँ, जो लौंडा सोलमेट था पहले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का, ऐसा ही होता होगा, हमें क्या पता, सोल एक मेट अनेक। मैं इस शादी के बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मैं इस शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने एक बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा वेडिंग शो बना दिया और उसको बहुत बड़े तरीके से प्रमोट कर रही हूँ, ताकि किसी को इस शादी के बारे में कुछ पता ही ना चले। बिग ब्रेन टाइम। मैं सोहेल से मिली और कुछ मैजिक सा हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे प्यार नहीं है, लेकिन ये जो मैजिक है ना, वो शायद सोहेल कथूरिया का $multi-million टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। How dare you? मैं बस कह रहा हूँ यार, मुझे क्या पता, मैं तो आलू गोभी खाने वाला आदमी है। It's okay, चिंता मत करो। अबे कहाँ है वो शाकाला का बूम बूम वाला संजू? अबे लोड़े का घिसा पेंसिल अपनी, बना कुछ, बंद करा ये ढाका इंटरनेशनल फैशन वीक। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। अबे किसने मांगी थी ये भूटानी चिल्लम? कौन देख रहा है ये मशरूम कट? क्यों खिलाए जा रहे हैं हमें ये अफीम से भरे कोफ्ते? अगर ये कलयुग है ना, तो ये शो है राक्षस डिमरी का तेजाबी पेशाब। अगर ये सलमान भाई की बायोग्राफी है ना, तो ये शो उस बायोग्राफी में चैप्टर है ऐश्वर्या की गुद्दी मेरा चमाट। और अगर ये पापराजी है, तो ये शो इस पापराजी के सामने तिरछी बुंड करके लकुआ मारी चाल में चलती मलाइका अरोड़ा है। तो आप भी जरूर आइए और बनिए हिस्सा मेरी जिंदगी के इस अहम सफर का, और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो चलो भाई मेरे साथ सारे के सारे, हम सब इनको ब्लेसिंग देके आते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में हैशटैग हंसिका यू मैड छोड़ते जाना। पता नहीं सोहेल क्या सोच रहा होगा। अरे वो मियां मस्तराम क्या सोचेंगे, 2014 में पहली शादी, 2022 में दूसरी शादी, उसने तो भैया पुराने सामान की वारंटी क्लेम करके एक्सचेंज ले लिया। मैं हूँ सोहेल कथूरिया। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन ये कुंजी चलाकर भी कंपार्टमेंट केस वाली महिला ने कुछ नहीं सीखा। पहले हंसिका ने हमारी आंखों में नींबू निचोड़ा हिमेश वी किए प्रिय रेशमिया के साथ आपका सुरूर करके। आज तक टट्टे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सिस से हिल जाते हैं इस भयानक पिक्चर के बारे में सोचकर। फिर इस बीकाजी कामा प्लेस की ब्रिटनी स्पीयर्स ने करी गुर्दों में पथरी करा देने वाली पिक्चर अपना सपना मनी मनी। डैड, मैं आपसे क्या कहूँ? इस पिक्चर के बाद उपेन पटेल को ऐसा भीषण गुप्त रोग हुआ, आज तक चेरापूंजी के जंगलों में धक्के खा रहा है, जादुई शिलाजीत ढूंढता। हर मोड पर स्ट्रगल है, कभी कच्चा पहनना पड़ता है, कभी उतारना पड़ता है। और जब इसको पता चला कि मिक्का जैसी भीगे छुआरे सी शक्ल के चिरकुंडे भी अपना स्वयंवर करा रहे हैं, तो मैं कैसे ना एक वेडिंग शो बनाऊं? शायद यही कीमत है सेलिब्रिटी होने की। अपने आप को सेलिब्रिटी तो ऐसे बोल रही है जैसे 12 फिल्म फेयर, 1 Emmy, 3 ऑस्कर नॉमिनेशन लेके बैठी हो। अरे करोल बाग की कैटलिन जेनर, आपका सुरूर और अपना सपना मनी मनी में तेरी एक्टिंग देख के ऐसा लगता है अग्नि में स्वयं ही समा जाऊं और अपने प्राणों की स्वयं ही आहुति दे दूं। मेरी सक्सेस का राज है सिर्फ मोना जी। अबे कौन सी सक्सेस, ये मोरादाबाद की मीगन मार्कल को कोई समझाओ कि शाका लाका बूम बूम 23 साल पहले था। यार हंसिका, ये तो रुमाल पे लगा के ना डाइल्यूटर की बोतलें सूंघनी बंद कर, तेरे को होश आए थोड़ा। तन्वी बचपन से मेरी दोस्त है, अगर मैं मुश्किल में पड़ी तो वो आधी रात को भी हाजिर हो जाएगी। यही सोचा था बेचारी रिंकी बजाज ने भी कि यार हंसिका तू मेरी दोस्त है, मैं तेरे पे पूरा भरोसा कर सकती हूँ, पर उसे क्या पता था आधी रात को मदद नहीं मांग मेरी भरो चल रहा है। और एक तो नजर थू दृष्टि बहुत लगती है। नजर ना लग जाए किसे, तुम्हें, तुम्हारे प्यार को या फिर तुम्हारे रेलेवेंट रहने के लिए ये डेस्परेट शो को? अरे हंसिका दिमाग से आधा दूध आधा पानी, नजर लगती है अच्छी चीजों को, धूप में सूख रहे बिना नाड़े के पेटीकोट या लूज इलास्टिक वाली पैंटियों को नहीं। हंसिका और मैं पार्टनर्स कम बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादा है। देखा, हमेशा बोलता हूँ ना मैं कि ये जितने भी मेल बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये साले बरसाती टिड्डे होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में दुख की थोड़ी सी बारिश हुई, ये अपने बिल से छपाक से निकल के बाहर आते हैं और छपाक से आकर लड़की के पास बोलते हैं यहाँ पे सर रख के रोलो। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, अ शोल्डर टू क्राई ऑन बिकम्स अ लुल्ली टू राइड ऑन। तो गाइस मैं मेरे घर में कैमरास कभी नहीं लगवाऊंगा। मैं तो रखूंगी, देखना चाहूंगी कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ थे। ले 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 मजे, 51 रुपए के गुलशन ग्रोवर, कर ले शादी उसको अभी से लग रहा। पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया मेरे लिए, कहीं मुझे ना छोड़ दे किसी और के लिए। तेरे हर कमरे में कैमरा लगवाएगी वो स्पीकर के साथ, ना तेरे टट्टे पेशाब करने का भी इसने वेब सीरीज बना दिया, मेरा नाम बदल दियो। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हंसु, अरे मेरी हंसु, इतनी एक्टिंग अगर तुम पिक्चरों में कर लेती ना, तो हिमेश तुम्हें बेड़ा से रवि कुमार में 2 मिनट का केमियो तो दे ही देता। मेरे लिए ये खुशी का मौका है, पर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। अबे यार
यार इतनी नौटंकी क्या लग रहा था तुम्हें हंसू? हंसू कि क्या होने वाला है, लोग आके 251 रुपए का UPI करेंगे तुम्हारे को सगन, ऐसे शोज ना ट्रोल ही होते। Please, I'm fine. मुझे मत रुलाओ, खुशी का वक्त है। अरे ये रो क्यों रही है पूरे का पूरा शो में, मुझे तो ये समझ नहीं आया। मोटी पार्टी से शादी कर ली, लाइफ सेट, शादी का शो बना दिया, वहाँ से क्लाउड चेज कर लिया, वो सेट, शादी के अंदर ब्रांड इंटीग्रेट कर दिए, वहाँ से पैसा मिल गया, वो सेट। अरे रोना तो हमारे को चाहिए, ये शो देख के सारा सेरेब्रल एट्रोफी हो गई, मेरे को साले नर्व सेल छोटे हो रहे हैं मेरे दिमाग के। तो उसको थोड़ा सा लो की रखे ताकि लोगों को ज्यादा मालूमात ना हो। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपको, जो सीक्रेसी जो स्ट्रेस वासिक नहीं चाहिए। हाँ आंटी रिकीशी, सीक्रेट सर्विस वालों को बुला लेते हैं, वेन्यू के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर देते हैं और सारे के सारे गेस्ट का ना आधार, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड ना फोटोकॉपी करा के रख लेते हैं। बढ़िया बंदोबस्त है सर। अरे बलवान राक्षस बाकासुर, ये शादी से पहले का छोटा सा फंक्शन है, पुतिन न्यूक्लियर मिसाइलों में लॉन्च कोड नहीं भर रहा। मुझे सबसे ज्यादा उसके फैंस की चिंता है, हमें तो बाहर से ही बैरियर्स डालने पड़ेंगे। हंसिका के फैंस गेट क्रैश कर देंगे, बैरिकेडिंग करानी पड़ेगी। अरे यार जैसे मारुति को लगता है ना उनकी गाड़ियां बहुत मजबूत है, ऐसे इन दोनों माँ बेटियों को लगता है ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, जब हम हंसिका की स्क्रिप्ट भी सुनते हैं ना तो कहते हैं कि भैया राहु काल है अभी। अरे आंटी मियंगू शेक के अंदर धतूरा मिला के पीती हो क्या, अपनी ही बात को कॉन्ट्रेडिक्ट करती रहती हो। हमारी भी प्राइवेसी है जो सिर्फ हम तक ही सीमित रहनी चाहिए। अरे यार फिर वही बात, अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया। अरे यार आंटी मोनालिसा, अगर तुम्हारे को प्राइवेसी चाहिए थी तो ये इतना बड़ा शो क्यों करवाया है। अरे यार किसी बाबा बूबा को बुला के झाड़ा लगवाओ आंटी पर। अच्छा खाली मम्मी जी नहीं, बेटी जी भी अपनी ही बातों को कॉन्ट्रेडिक्ट करती रहती है पूरे शो में। दो लोगों के बीच जो होता है वो सिर्फ उन्हीं दोनों को पता होता है। अरे हंसू दिमाग से कमसू, तू खुद बता रही है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पूरा का पूरा सीन बता रही है इस शो के अंदर। अरे ये माँ बेटी दोनों दिमाग से शेयर्ड ऑटो पे है क्या? हंसिका को वॉर फोर्ट चाहिए था, दो ही जगह हो सकती है, या तो इटली में कर लेंगे या फिर जयपुर में करना पड़ेगा। अरे इटली में होगा या तो जयपुर में कराना पड़ेगा। अच्छा अगर तुम इटली में अफोर्ड कर रहे होते ना तो सारा का सारा तुम्हारा ये कीर्तन मंडली है ना वहीं झुग्गी डाल के बैठा होता। तुम बस इटली की एक ही चीज अफोर्ड कर सकती हो, पिज्जा, वो भी थिन क्रस्ट वाला। मैं ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ लेकिन परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ और जेलर भी, हंसिका के कमरे में और पूरे के पूरे घर में ना कैमरे लगे हुए हैं, CCTV जिसकी फीड सीधा इसकी मम्मी के फोन पे जाती है। व्हाट काइंड ऑफ अ डिमेंटेड बिहेवियर इज दिस आंटी जी। दुनिया कुछ तो कहेगी, अच्छा करो बुरा करो। अच्छा घाटकोपर के ओशो लिख लिया सहानुभूति पर निबंध, बैठा दिया मंगल ग्रह को 24वें घर में। अबे पिस्ताचियो, ये बना ही शो इसलिए है ताकि लोग ये वो बोले और तेरी बहन रेलेवेंट रहे। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, पर हम हर दिन और स्ट्रांग बनते गए। अबे श्री श्री लोड लहसुन चुप हो जाए यार। It's not even funny or cringe. In fact, it is very irritating कि पूरे के पूरे शो में हंसिका and especially उसकी माँ एक ना सेलिब्रिटी होने का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थ्रो कर रही है और वो हर दूसरी बात के बाद ये मेंशन जरूर करेगी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सेलिब्रिटी की माँ हूँ, या फिर सेलिब्रिटी होने का तो यही होता है। लोग इसलिए लिखते हैं बिकॉज आई एम somebody। शो में हर 10 मिनट में हंसिका अपने होने वाले पति को ये जताती है कि भैया मैंने तेरे पास्ट को भुला दिया, तू जैसा भी है, जैसा भी तेरा पास्ट है, मैंने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे तुम ये रोल रिवर्सल कर दो और सोचो अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोल देता तो भैया ये सूडो फेमिनिस्ट ना मिर्ची कूटने लग जाती है ट्विटर पे ये मिसोजिनी की। मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और हाँ तुम्हारा एक पास्ट था। हंसिका की माँ मेनियाकल तरीके से अपनी बेटी की लाइफ को कंट्रोल करती है और अपनी बेटी की लाइफ में इन्वॉल्व रहती है और इसकी वजह से हंसिका को ना इश्यूज हैं, वो अलग अलग अजीबोगरीब हरकतें करती है। हंसिका के भाई को शो में जिस तरह से ट्रीट करा जाता है और जिस तरह से उसका डिमीनर है ना पूरे का पूरे शो को लेके, साफ साफ लिखा हुआ है उसके चेहरे पे दैट ही इज बीइंग ट्रीटेड एज दैट सन और एज दैट चाइल्ड हु नेवर मेड इट इन लाइफ। सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, सीरियस नोट का तो इन सब ने साला शादी का कार्ड बना दिया। अगर तुम्हें मलाइका का प्रिटेंशियस नेचर मूविंग इन विद मलाइका में बहुत बुरा लगा था, बहुत इरिटेटिंग लगा था, आई एम डैम श्योर कि इसमें हंसिका और उसकी माँ का एटीट्यूड देख के यू वुड वॉमिट। तो भैया मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही इत्तला कर दी इस बात की कि अगली गली में टेढ़ी पूंछ वाले पागल कुत्ते और लाल बुंड वाले पागल बंदर लड़ रहे हैं, वहां जाना मत। तो भैया ये था मेरा हंसिका के शो का रिव्यू, इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाना और साथ ही साथ नेक्स्ट रोस्ट किसका देखना चाहोगे, दो ऑप्शन देता हूँ, गंदी बात या फिर फूड व्लॉगर, वो भी बता देना। और हाँ 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलमोस्ट टच हो गए हैं, अब जब एक्चुअली में हो जाएंगे जिस दिन उस दिन मैं एक व्लॉग रिलीज करूंगा उसी के रिलेशन में मैं थोड़े दिन में एक AMA लाइव करने वाला हूँ यूट्यूब पे, मैं तुम्हारे को पहले इत्तला कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी पोस्ट डाल दूंगा। आस्क मी एनीथिंग, पैंट से हाथ निकाल के सारे क्वेश्चन पूछ लेना, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे मैं अपने व्लॉग में उनको फीचर करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले हफ्ते, पैंट से हाथ निकाल लो, मामा मियाँ पप्पी लज़ानिया, बाय बाय। आंटी मेंगू शेक में, अरे आंटी मेंगू शेक, अरे आंटी मे